सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, प्रियंका भी बहुत अच्छी और हमारी बेटी भी एकदम जबरदस्त है। सो आज की वीडियो में, जैसे कि आपने कल लास्ट वीडियो देखी होगी हमारी, उसमें प्रियंका यहाँ से स्कूटर निकालते गिर गई, ठीक है। सो आज हम उस वीडियो को डिकोड करेंगे कि वो गिरी कैसे, प्रियंका ने क्या क्या गलती करी, और मैं भी यहाँ से निकाल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब भी कोई आप चढ़ाई से नीचे उतरते हो, स्लांट होती है कोई एरिया, तो उसमें स्कूटर और दूसरे व्हीकल कैसे चलाने चाहिए। फिलहाल हम स्कूटर की बात करेंगे कि जब स्कूटर उतार रहे हो स्लांट ऐसे साइड से, तो किस किस बातों किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बताएंगे आज हम इस वीडियो में। तो अब प्रवीण उतार रहे हैं, मैं उधर जा रही, इधर प्रवीण सोच रही हूँ तूने कैसे कर दिया। क्या होता है? वाह, बहुत सारी चीजें होती है जब इंसान चलाते चलाते किसी व्हीकल को उसे समझ आता है। तो गाइस बहुत सारी चीजें होती है जब इंसान रेगुलर चलाता रहता है किसी व्हीकल को, तो उसे समझ आता है कि हमें इस सिचुएशन से निकलना कैसे। बट और उसकी स्ट्रेटेजी इंसान अपने दिमाग में पहले बना लेता है कि मैं इस तरीके से यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। लेकिन इसी को अनुभव कहते हैं, ठीक है, और इसी को अनुभव कहते हैं, ठीक है। तो प्रियंका ने जब यहाँ से निकाला कल, जैसे आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आई बटन में आ रही होगी, प्लीज़ जाके देखिए कि प्रियंका कैसे क्रैश हुआ। प्रियंका का यहाँ पर कल बुरी तरह बच गई, वो कुछ नहीं हो सके। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी सिचुएशन में जाओगे, पहले आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे। अगर आपके माइंड ही प्रिपेयर नहीं है तो आप निकल ही नहीं पाओगे उस सिचुएशन से। पहले वो मास्टर प्लान आपके दिमाग में बनेगा, उसको आप अप्लाई करोगे, ठीक है। सो अब मैं आपको स्कूटर में बताता हूँ कि स्कूटर में क्या है। देखो, जब भी आप ऐसे स्लाइड से जाओगे, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ जाओगे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि पहली बात जो आप प्रियंका की गलती क्या थी, प्रियंका जब उतरी, ठीक है, प्रियंका का जो ये था ना हाथ, ये ऐसे ही थे नॉर्मल, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप नीचे की तरफ उतरोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, चाहे आप स्पीड दो ना दो, वो ऑटोमेटिकली स्पीड में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपके हाथ हमेशा ब्रेक में और क्लच में होने चाहिए, अगर नहीं रहेंगे तो आप कंट्रोल करने में टाइम लग जाएगा, आप हाथ ले जाओगे फिर करोगे। तो आपका पहले से माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से, ये तो प्लेन भी नहीं है, ये सारा ऊबड़ खाबड़ है यहाँ पर, ठीक है। मैं ये उसकी बात बता रहा हूँ कि अगर आप प्लेन रोड पे भी आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको इसको थोड़ा क्लच को भी दबा के रखना है थोड़ा, और ब्रेक को भी हल्का दबा के रखना है कि स्पीड ज़्यादा ना पकड़ ले, ठीक है। पहले से ही कंट्रोल करके रखना है, ये नहीं कि स्पीड बढ़ जाएगी फिर कंट्रोल करोगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कंट्रोल करने का, आप गिर जाओगे, ठीक है। तो पहले से ही आपको कंट्रोल करके रखना है, ये है, ठीक है। अब प्रियंका ने वो चीज़ नहीं की थी, ठीक है, उसके हाथ भी नहीं थे, उसने नॉर्मल निकाल दिया थे। नॉर्मल मैं भी नहीं निकाल सकता, अगर मैं बिना ऐसे नॉर्मल जाऊंगा तो इतनी स्पीड में आ जाते हैं आप, यहाँ से गिरोगे गिरोगे, ये फैक्ट है, चाहे कोई कितना भी एक्सपीरियंस बंदा हो। और दूसरी चीज़, आज मैंने जो निकाला, मैंने मेरे भी हाथ ऐसे थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा परमानेंट, ये जो नीचे देख रहे हो आप, इधर दिखा, ये जो उसके नीचे ब्रेक होता है ये वाला ना, जब मैं नीचे आ रहा था मेरा पैर इधर ही था, मेरा हल्की सी आधी ब्रेक दबा के रखी हुई थी, ठीक है। उसको कहते हैं कि जब मुझे पता था कि स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो मैंने पहले से आधी ब्रेक दबी हुई थी मेरी, तो मैंने कंट्रोल शुरू से ही करके रखा था कि ये स्पीड में ना आए। और ऐसी जगह में आपको धीरे धीरे करके निकालना है, कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप तेज़ से नहीं निकाल सकते, तेज़ से निकालने की कोशिश करोगे तो हमेशा आप कि ठुक जाएगी, चाहे वो कार हो। कभी कभी कम जगह होती है तो हम सोचते हैं एकदम से निकाल देते हैं, एकदम से नहीं निकालनी है, अगर कार भी चला रहे हो तो धीरे धीरे निकालना, कहीं इधर उधर कहीं ना टकर जाए, ठीक है। तो ये गलती थी प्रियंका की, ठीक है, थैंक यू। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि चढ़ाई में, आपको जब चढ़ाई में चढ़ानी है बाइक या कोई भी व्हीकल, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर क्योंकि अगर चढ़ाई में चढ़ाते टाइम स्पीड ख़त्म हो गई तो आप ख़त्म हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और प्रियंका से भी थोड़ा सा बात कर लेते कि प्रियंका को समझ आया नहीं आया, क्योंकि प्रियंका भी अभी तो नहीं,
कल या परसों आने वाले समय में दोबारा यहाँ से उतार के दिखाएगी स्कूटर, बट वो तरीके सही से। तरीके से ऐसे नहीं उल्टे। मैंने क्योंकि दूसरी बार भी इसे बोला था कि थोड़ा सा ब्रेक में पैर रखियो, बट ये बोलो कि ब्रेक में पैर रखूंगी तो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब ब्रेक में पैर रखोगे तो आपकी स्पीड ही नहीं बढ़ेगी, डिसबैलेंस की बात ही नहीं। जब धीरे धीरे चलेगी तो आप कंट्रोल कर पाओगे। सो प्रियंका से बात करते हैं। हाँ जी प्रियंका जी, आपको क्या लगता है कि जब मैंने अभी स्कूटर निकाला तो क्या लगता है कि क्या क्या फ़र्क था कि आपने जैसे कल निकाला और मैंने कल, मैंने तो इतने स्मूथ नहीं निकाल दी। बहुत अच्छा निकाला यार, तो सोचते थे इतना अच्छा कैसे चला लेता है। जो कार भी बहुत अच्छी चलाते हैं और क्या बोलते हैं, खैर बहुत सारे एक्चुअली मुझे बस यही है कि अगर इसमें मेरा साथ ना यही था कि इन्होंने मुझे असल में ना उस टाइम इन्होंने मुझे बोला था कि क्या बोलते हैं अपना एक पैर ना उसमें नीचे वाली ब्रेक पे रखना, क्योंकि इसकी ब्रेक काम नहीं करती है अच्छे से, स्कूटर्स की किसी की भी नहीं करती उतनी तरीके से। लेकिन मेरे को बस यही था कि अगर पैर नहीं होंगे तो मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँगी। और अब भी यही बोल तो हैं कि नेक्स्ट टाइम ये करके दिखाएगी, लेकिन मुझे अभी वही मेरे साथ इशू है कि मैं अगर ब्रेक पे पैर रखूँगी तो कहीं एकदम से ही गिरूँगी, फिर तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती। तो लेट्स सी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं, करूँगी, पर मैं वो करके तो दिखाऊँगी ही, मैं और चढ़ा के भी दिखाऊँगी मैं। तो स्टंट तो मैं अभी करने ही वाली, और भी अलग अलग तरीके के, हाँ तो अलग अलग तरीके के हम स्टंट करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि प्रियंका को आने वाले समय में, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि आने वाले समय में हमें कैसी कैसा चैलेंज मिलेगा, तो उस चैलेंज के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, रोड कैसी भी मिल सकती है, ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी रोड है, ठीक है। और एक दिन जिस दिन हमारे रिएक्शन की वीडियो आएगी ना, देख लेना YouTube पे, खतरनाक वीडियो बनेगी रिएक्शन की। अभी नहीं बनाऊंगी मैं, अभी थोड़ा सा समय लगेगा रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, देखना रिएक्शन वीडियो आने में थोड़ा समय लगेगा। नॉर्मल उसमें नॉर्मल अटायर में नहीं बनाऊंगी, ऐसा अटायर बनाऊंगी जो, अरे ये क्या, इस पे क्या पहन लिया ये, इस तरीके से कुछ अलग तरीके से हम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, खतरनाक वाला। बट उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं कि सीधा बाइक उठाई और चल दिए, ऐसा नहीं, बेइज्जती नहीं करवानी है, ठीक है। पता लगे लोग देख रहे हैं, चक्कर में मेरा वो ठक ठुक जाए, बेइज्जती और हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे विराम लगाते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो भी कोई नया बंदा आया है हमारे चैनल में और पहली बार आया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबा दीजिए और हमारे YouTube परिवार के सदस्य बन जाइए, और ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। और कुछ जय धारी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय धारी।